Hello, how are you? I hope you all are fine. I am Jyoti. Welcome to my channel Jyoti Education Center. Last videos में past continuous tense के बारे में पढ़ा था. आज से हम start करेंगे अपना new tense future continuous tense. इस video को मैं दो part में divide करूँगी. Part one में मैं आपको introduction दूँगी. When to use, when not to use, how to use. यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. इसकी पहचान होती है सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा लगता है. ये कंटीन्यूअस है, यानी कि किसी भी वर्क का फ्यूचर में कंटिन्यू होना या किसी भी वर्क के बारे में हम फ्यूचर में कंटिन्यू करने की सोचते हैं. फ्यूचर में वो वर्क चल रहा होगा. और इसकी पहचान देखिए, जैसे प्रेजेंट में रहा हूं, हा है ही लगती है रहा के बाद. पास्ट में क्या लगता था? रहा था, रही थी. इसमें होगा, होगी, होगा, यानी कि फ्यूचर होता है. मैं काम कर रही होंगी, यानी कि होंगी, रही होंगी. दिस इज कंटिन्यूअस. रही होंगी, दिस इज ऑल्सो, एंड रहे होंगे. इस टाइप से सेंटेंसेस की पहचान होती है. और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी. फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल विल होती थी, इसमें विल के साथ वी भी लग जाता है. यानी वी वर्ब लग गया विल के साथ, तो इट मींस इट इज कंटिन्यूअस. जैसे आई विल बी वर्किंग, आई विल बी ईटिंग फूड, यू विल बी वॉचिंग टीवी, लाइक दिस. व्हेन टू यूज कंटिन्यू फॉर अ पीरियड. कंटिन्यूस का मतलब ही क्या होता है? कंटिन्यू होना किसी वर्क का, मतलब इन प्रोग्रेसिव, विच वर्क इन करेंटली गोइंग ऑन. लाइक फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू फॉर अ पीरियड वर्क इन फ्यूचर. हम जब भी कुछ काम फ्यूचर के करने के बारे में सोचते हैं, उस समय को करेंटली हम सोचते हैं. कंटिन्यू वो सोचते हैं कि वो इस समय काम हो रहा होगा बट इन फ्यूचर. उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस. जैसे She will be writing a letter. वो एक letter लिख रही होगी, या she will be writing a letter tomorrow. वो कल एक letter लिख रही होगी, लेकिन मैं आज ही सोच रही हूँ future के बारे में. और future में भी कौन सा? उस exact point का जब वो काम हो रहा होगा. Specific time, हम specific time पर भी future continuous use कर सकते हैं. At 2:30 I will be playing. 2:30 पर मैं खेल रहा हूँ. सपोज करिए कि इस समय मॉर्निंग है, या फिर अगले दिन की मैं बात कर रही हूँ, मैं कुछ और काम कर रही हूँ एट 2:30 और मैं सोच रही हूँ. जैसे मुझे अभी पढ़ाई करनी पड़ रही है मॉर्निंग, तो मेरा 2:30 प्लेइंग टाइम हो जाएगा खेलने का. तो मैं क्या बोलूँगी? अभी तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, हाँ मुझे जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश करना है. एट 2:30 आई विल बी प्लेइंग, क्योंकि 2:30 पर मैं खेल रही हूँगी. इस समय मैं बाहर हूँगी, मैं खेल रही हूँगी, एंजॉय कर रही हूँगी. इस समय हम एक पर्टिकुलर टाइम को लेकर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है पैरेलल एक्शन. सबसे पहले पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन सुनिए. पैरेलल मतलब होता है जब भी दो वर्ड पैरेलली एक बार चलते हैं. जैसे कि ज्योमेट्री में होता है ना पैरेलल लाइन्स विच नेवर कट ईच अदर, मीन्स वो साथ साथ चल रहे हैं. यानी कि हमारे दो काम साथ साथ चल रहे होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पैरेलल एक्शन. अब देखिए, इन द इवनिंग आई विल बी कुकिंग फूड एंड शी विल बी स्टडी. एक ही टाइम की हम बात कर रहे हैं, दो इंसान है और वो दोनों ही अलग अलग एक ही टाइम पर काम कर रहे हैं. आई विल बी कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही होंगी, और उसी टाइम शी विल बी स्टडी, मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, वो पढ़ रही होगी. ठीक है, और कंटिन्यू में वर्क चल रहा होगा, मैं तब की बात कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस का. नेक्स्ट इंटरप्ट इन फ्यूचर. इंटरप्ट इन फ्यूचर कैसे? आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट. इसमें दो वर्क एक साथ नहीं चलते, काम तो एक ही चल रहा है, मतलब फ्यूचर में काम एक ही चल रहा होगा. इस टाइप से कह सकते हैं, मैं जैसे टीवी देख रही हूंगी आज टुनाइट का मैंने बात किया है. सपोज 9 o'clock हो गए, मैं टीवी देख रही हूँ और मेरी कोई फ्रेंड आ गई अचानक से, तो मैं क्या कहूंगी? मैं जब टीवी देख रही हूँ ना कल,
तभी वो आएगी। सपोज उसने मुझे इन्फॉर्म किया मैं कल रात में आऊंगी, तो मैं क्या बोल रही हूँ, आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं आज आपको टीवी देख रही हूंगी, वो आएगी। अच्छा अब वेन शी विल बी अराइविंग इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि फ्यूचर कभी भी टाइम क्लॉज यानी वेन इस सबके साथ, एज सून एज मैंने आपको बताया था ये फ्यूचर इंडेफिनेट में भी, इन सबके साथ यूज नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, हिंदी में आप बात करेंगे तो उसका मतलब क्या लग रहा है, मैं टीवी देख रही हूँगी, वो जब आएगी नाइट में जब मैं टीवी देख रही हूँगी, तो उसमें दोनों में फ्यूचर हम यूज कर सकते हैं, वो तब आएगी जब मैं टीवी देख रही हूंगी। लेकिन इंग्लिश में हम लोग दोनों में फ्यूचर यूज नहीं करेंगे, व्हेन, एज सून एज, इफ, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी कंडीशन लग जाती है, जैसे कि, और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको इंटरप्ट, यानी कि मेरी एक्टिविटी इंटरप्ट हो गई, वो एकदम से आ गई और मैं उस काम को कर रही हूंगी, मैं उस काम को करने की प्रोग्रेस में थी, मेरा काम प्रोग्रेसिवली चल रहा था, तो व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, ऐसे में हम इंडेफिनेट टेंसेस का यूज करते हैं। एटमोस्फेयर इन फ्यूचर, अच्छा अभी एटमोस्फेयर इन फ्यूचर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। पहले सपोज करिए आज आप एग्जाम देने जा रहे हो और आज आपका लास्ट एग्जाम है और कल से आपकी मस्ती शुरू, कुछ भी आप कर सकते हैं, हम लोग बहुत वेट करते हैं ना जल्दी से एग्जाम फिनिश हो फिर तो हम खेलेंगे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएंगी, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, इस टाइप से हम लोग सोचते हैं। तो एक एटमोसफेयर हम कैसे बना लेते हैं, आज तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है यार, कल मैं इस टाइम क्या कर रही हूँगी, मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ आज, लेकिन कल से तो मैं फ्री हो चुकी हूँगी, कल से मैं फ्री हो जाऊंगी, देन वाओ कल तो मैं इस समय खेल रही हूंगी, कल तो मैं इस समय टीवी देख रही हूंगी, बस आज का और पढ़ना है मुझे। इस टाइप से जब भी हम एटमोसफेयर बनाते हैं अपने आसपास कि मैं ये कर रही हूँ, इमेजिनेशन में जाते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस का। जैसे ये सेंटेंस देखिए, व्हेन आई अराइव एट पार्टी एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग, सम विल बी डांसिंग, अदर्स विल बी टॉकिंग, फ्यू पीपल विल बी ईटिंग, दे ऑलवेज डू सेम थिंग। मुझे किसी पार्टी में इनवाइट किया गया है तो मैं क्या करूंगी, व्हेन आई अराइव एट पार्टी, जब मैं पार्टी में पहुंचूंगी। अब अगेन यहां पर हम विल यूज नहीं करेंगे व्हेन आई विल अराइव एट पार्टी, क्योंकि क्या हो गया, कंडीशनल व्हेन के साथ कभी भी यूज नहीं होता, लेकिन उसका सेंस फ्यूचर में निकल रहा होता है। ठीक है, व्हेन आई अराइव एट पार्टी, तो मैं उस पार्टी में से जाती रहती हूँ, तो अब फिर से मेरे पास आया कि कल पार्टी है, एवरीबॉडी इज गोइंग, तो मैं सोच रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ क्या कर रहा होगा सभी लोग, एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग, नियर फ्यूचर की बात हो गई, इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा, अब से स्टार्ट हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे पहले एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अब मैं इमेजिनेशन में, सम विल बी डांसिंग, कुछ लोग डांस कर रहे होंगे, कुछ लोग बातें कर रहे होंगे, कुछ लोग ईटिंग खा रहे होंगे, क्योंकि दे ऑलवेज डू सेम थिंग, मतलब मैं अक्सर ही ऐसी पार्टी अटेंड करती हूँ इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं सोच सकती हूँ कि ऐसा ही चल रहा होगा, क्योंकि वो हमेशा ही ये करते हैं। ठीक है, मैं मतलब मैं चली गई फ्यूचर में, इस समय क्या चल रहा होगा, एक पीरियड के उस पर चली गई कि करंटली, मतलब फ्यूचर को ही मैं प्रेजेंट में सोच रही हूँ कि उस समय क्या चल रहा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा एटमोसफेयर इन फ्यूचर। या फिर एक और एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ, जैसे कि अभी मैंने कहा आपके एग्जाम खत्म हो गए और कल से आपके घूमने जा रहे हो, रिजर्वेशन भी हो गया, ये भी हो गया, बस आज आपको लास्ट पढ़ना है, कल आपका लास्ट एग्जाम है, आज आप लास्ट पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ते 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 बोर हो गए और लग रहा है आपको जल्दी से मेरे एग्जाम खत्म हो, कल तो हम इस समय ट्रेन में होंगे, आपने शुरुआत ऐसे की, फिर इसके बाद वी विल बी ईटिंग फूड, हम इन द ट्रेन, हम ट्रेन में फूड खा रहे होंगे, ठीक है, हम ये कर रहे होंगे, वी विल बी एंजॉयिंग टूगेदर, हम एक साथ एंजॉय कर रहे होंगे, वाओ। सो इस टाइप से हम जब भी कुछ चीज फ्यूचर में उस टाइम के लिए होने की बात करते हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। व्हेन टू यूज, कब यूज होता है, इसकी बात तो हमने कर ली, लेकिन व्हेन नॉट टू यूज इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अभी तक आप कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते आ रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, सब में मैंने व्हेन नॉट टू यूज में एक चीज जरूर बताई है कि स्टेटिव वर्ब में ये यूज नहीं होता, तो सेम चीज यहां पर भी होगी, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्म में स्टेटिव वर्ब यूज नहीं होती। ठीक
ठीक है, सबसे पहले स्टैटिक वर्ब क्या होती है, मैं लास्ट वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। टू टाइप्स ऑफ वर्ब आर देयर, डायनेमिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक रेफर्स टू एक्शन विच शो एनी फिजिकल एक्टिविटी और एक्शन, जैसे ईट, रन, जंप, ड्रिंक। देयर आर मेनी मेनी डायनेमिक्स वर्ब आर देयर। एंड स्टैटिक वर्ब विच डू नॉट शो एनी फिजिकल एक्शन बट शो स्टेट, रेफर्स टू स्टेट। ठीक है, ये होते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि ही विल बी अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम सून, इट इज रॉन्ग। ये कोई एक्शन शो नहीं करती, स्टेट शो करती है कि मैं समझ रही हूँ, मैं मेंटल स्टेट में कैसे समझ रही हूँ। तो ही विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम सून, यानी कि अपने फ्यूचर में शो करना है तो हम कंटिन्यूस के बजाय इसको फ्यूचर इंडेफिनेट में शो कर सकते हैं। याद रखना, स्टेटिव वर्ब जो भी होती है वो क्या होती है, इंडेफिनेट और परफेक्ट में यूज हो सकती है। ठीक है, कंटिन्यूस में यूज नहीं होती। तो दिस इज राइट। ही विल बी बिलीविंग यू, बिलीव इज ऑल्सो डायनेमिक बट शो वी कैन नॉट यूज आई एन जी मीन्स इन कंटिन्यूस फॉर्म। दे विल बिलीव यू इज राइट, दे विल बी बिलीविंग यू इज रॉन्ग एंड दे विल बिलीव यू इज राइट। इधर मैंने कुछ स्टेटिव वर्ब लिखी है, लाइक, लव, हेट, वांट, नीड, प्रेफर, नो, रियलाइज, सपोज, बिलोंग, डिपेंड, सीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी हैं। ठीक है, तो इन सबके साथ हम यूज नहीं करते हैं कंटिन्यूस फॉर्म। लेकिन कुछ स्टेटिव वर्ब ऐसी भी होती है विच समटाइम्स बिहेव एज डायनेमिक वर्ब एंड समटाइम्स बिहेव एज स्टैटिक वर्ब। मींस कुछ ऐसी जो वर्ब होती है वो कभी डायनेमिक की तरह, कभी स्टैटिक की तरह, ये आपको सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की। थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें हम केवल आंसर करते हैं, कुछ भी इसमें नेगेटिव या कुछ भी नहीं होता है इसमें। ठीक है, सिंपल होते हैं ये, जैसे कि हम कोई चीज कह रहे हैं कि मैं ये कर रही हूंगी, दैट मींस वी आर जस्ट गिविंग द आंसर और वी आर टेलिंग समथिंग। ओके, नेक्स्ट होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नॉट, जिसमें लग जाता है, नहीं की जिसमें हम बात करते हैं, और इंटरोगेटिव मीन जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट विल बी, और कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हम 4 बजे तुम्हारे घर आ रहे होंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, ठीक है, और इसमें वर्ब क्या है, कम, और कम का क्या हो जाएगा, कमिंग टू योर हाउस एट 4 o'clock। कम में से ई हटके आईएनजी हो गया। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाइए मेरी वीडियो में, उसमें मैंने स्पेलिंग चेंजेस भी बताया है कौन सी चीज कब हटके आईएनजी हम कैसे फॉर्म करते हैं ताकि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो आप मेरी उस वीडियो में जाइए और वहां से मेन वर्ब से आईएनजी बनाना सीखिए। यू विल बी कमिंग टू योर हाउस एट 4 o'clock। नेक्स्ट, वे बाजार जा रहे होंगे, दे, हेल्पिंग वर्ब विल बी। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही होती है, विल बी, तो आपको सिंगुलर प्लूरल ये सब देखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में देखते थे, प्रेजेंट में इज आर एम, ठीक है, देखना पड़ता था हमें, और पास्ट में वॉज और वर, लेकिन ये सबसे सिंपल है विल बी। इसके बाद गो की फॉर्म आईएनजी, गोइंग टू मार्केट। मैं कल किताब पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी रीडिंग बुक टुमारो। ठीक है, नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव की जगह मैंने यहाँ लिख दिया नेगेटिव, यानी कि जिसमें नहीं लगता है नॉट लगता है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर में भी नॉट लगाएंगे, स्ट्रक्चर में कहाँ लगाएंगे हम नॉट, विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो मैं विल बी नॉट, नो, इसमें विल बी के बाद नॉट नहीं लगेगा, बल्कि ये दोनों अलग हो जाएंगे, इनके बीच में नॉट लगेगा, यानी कि विल नॉट बी। ये थोड़ा सा इधर कंफ्यूजिंग रहता है, हम हमेशा अभी तक हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हुए आ रहे हैं ना नेगेटिव में, लेकिन विल तो आपको लग रहा होगा सब्जेक्ट विल बी नॉट, नो, विल नॉट बी। विल और बी को अलग कर देंगे और उसके बीच में हम लगा देते हैं नॉट। ठीक है, जैसे हम 4 बजे तुम्हारे घर नहीं आ रहे होंगे,
ठीक है, नहीं आ रहे होंगे, यानी कि इधर भी नॉट लगाना है तो किधर लगेगा, विल बी नॉट, ये मत करेगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी चीज में बहुत मिस्टेक हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है नॉट, इसमें क्या है, विल और बी दो पार्ट्स में हमारी हेल्पिंग वर्ब है, दो वर्ड में हेल्पिंग वर्ब है। अभी तक जितनी भी हेल्पिंग वर्ब थी केवल एक ही वर्ड था, जैसे डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, इतनी सारी तरीके की हेल्पिंग वर्ब आप पढ़ चुके हो विल फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन इसमें क्या है, दो वर्ड है विल एंड बी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी, इन दोनों के बीच में, यानी कि इधर, यानी कि नॉट, वी विल नॉट बी कमिंग टू योर हाउस एट 4 o'clock, वे बाजार नेक्स्ट नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट, गुड, यानी कि नॉट, विल नॉट बी, बार बार मैं इसी चीज पर फोकस कर रही हूं, विल नॉट बी, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कैसे हो जाती है, विल नॉट बी, बीच में आ जाता है, मैं कल किताब पढ़ रहा हूंगा, आई विल नॉट बी रीडिंग बुक टुमारो, किताब नहीं पढ़ रहा हूं, आई विल नॉट बी रीडिंग बुक टुमारो। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें विल और वी दो वर्ड्स में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, सिंगल इंटरोगेटिव है, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सिंगल एंड डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी यस और नो टाइप सेंटेंसेस, यस और नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं ये, इनका आंसर हम यस और नो में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, क्या वह बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा होगा, अगर खेल रहा है तो मैं कह सकती हूँ यस, यानी कि सामने वाला जो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है वो समझ जाएगा, और नहीं खेल रहा होगा तो मैं कह सकती हूँ नो, नहीं, ठीक है, इसलिए ऐसे सेंटेंस को यस और नो टाइप भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर विल, इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा अब बी, यानी यहाँ भी विल वी एक साथ नहीं लगेगा, केवल अफर्मेटिव में ही एक साथ यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वी चला जाएगा, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा होगा, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इन सेंटेंस की जो बिगनिंग होती है हिंदी में कहां से होती है, क्या, ठीक है, तो विल। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट, अब आप सोच रहे बी, वी आपके दिमाग में ही है, लेकिन वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है, पहले नहीं लगाना, विल वह बच्चा इज अ सब्जेक्ट, सो विल डैट चाइल्ड, अब इसके बाद क्या लगा देना है, बी, और इसे स्किप भी मत कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा, विल दैट चाइल्ड बी, इसके बाद खेलना, मतलब प्लेइंग आईएनजी लगा देंगे, विद दिस टॉय, तो इस तरह से सेंटेंस फॉर्म होते हैं, मेन इसमें विल बी का ध्यान रखना होता है, कैसे, विल और बी अलग हो जाते हैं, तो विल कहाँ लगेगा, विल के बाद क्या आएगा और बी कब लगेगा, ठीक है। क्या तुम कल बाजार जा रहे होंगे, तो विल, अब इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, अब यू के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद वी और आईएनजी, गोइंग टू मार्केट टुमारो, टुमारो मैंने बताया था आने वाला कल जो है, फ्यूचर में हम टुमारो यूज करते हैं, पास्ट में कल के लिए यस्टरडे यूज करते हैं। अच्छा, अगर अब मैं इसको नेगेटिव बना दूं तो नॉट कहां यूज होगा, ये देखिए, विल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट लगता है, अभी तक आप यही पढ़ते आ रहे हो और अभी भी आपको यही रूल फॉलो करना है, विल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है, अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड और लगता है तो हम लगा देंगे, विल सब्जेक्ट नॉट बी, यानी कि इसमें नॉट बी साथ में हो गए, जैसे नेगेटिव में क्या होते थे, विल नॉट वी होता था ना, ऐसी देखिए इसमें बस बिल के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट बी। क्या है बच्चा अपने खिलौनों से, अपने खिलौने से नहीं खेल रहा होगा, तो सबसे पहले विल, अगेन सब्जेक्ट, डैट चाइल्ड, अब इसके बाद नेगेटिव है, तो नेगेटिव में कहां लगाते हैं इंटरोगेटिव में, अगर नेगेटिव हो सब्जेक्ट के बाद, हमेशा यही कहती हुई आ रही हूं मैं, विल नॉट और बी इधर ऐसे होता लगा देना कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो लगी रही है, वी भी तो हेल्पिंग वर्ब है, तो विल नॉट इधर लगा दो, नो, नॉट बी एक साथ जाता है, विल इधर रहता है,
Will that child not be playing with his toy? क्या तुम कल बाजार नहीं जा रहे होंगे? Will you? सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव बनाना है तो not. Will you not be going to market tomorrow? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अब बात करते हैं WH families, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं. अभी आपने पढ़ा था जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते थे, यस और नो टाइप सेंटेंस. अब हम बात करेंगे जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, हमें पूरा ही जवाब देना पड़ता है, ठीक है. और ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं. इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए, सिंगल इंटरोगेटिव में आपने यहाँ से स्टार्ट किया था विल, सब्जेक्ट नॉट बी, ठीक है, और मेन वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यही किया था. इसमें बस क्या करना है, विल के आगे हेल्पिंग वर्ब के आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, यानी जिस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो वाला क्वेश्चन वर्ड इसके आगे लगा देंगे. एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे. अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ. ओके, तो कहाँ का वेयर, वेयर के बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब विल, और इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद बी. इंटरोगेटिव में बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक है. गोइंग टुमारो, वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा. अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, यानी कि वाई. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, और मैं यहाँ पर क्या मिस कर गई हूँ, वाई विल ही नॉट. मैंने अभी आपको बोला था अगर आप यहाँ से वी हटा देते हैं तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी केवल इतने से चेंज से, और मैंने यहाँ पर वही करा है. तो यानी कि मैं यहाँ क्या ऐड करूंगी, वाई विल ही, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है. अच्छा, अब लेकिन इसमें मैं नॉट लगाना है बीवी, तो वाई विल ही नॉट बी. एक बार फिर से देखते हैं, यहां पर क्या था, सिंपल था, नेगेटिव नहीं था, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही बी आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद ही बी आता है. विल पहले ही लग गई, दो पार्ट में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, यानी दो वर्ड होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी अलग अलग हो जाती है. अब तक जितनी भी आपने वर्ब पढ़ी थी हेल्पिंग वर्ब सब में एक थी, इसलिए इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इंटरोगेटिव में. तो वाई विल योर फादर बी, ठीक है. अब ये तो अफर्मेटिव हो गया, अगर इसी में ही नेगेटिव भी आ जाए इंटरोगेटिव के साथ, तो मैंने हमेशा बताया है कि नॉट कहां लगता है, नॉट लगता है आपका सब्जेक्ट के बाद, लेकिन इसमें बी भी है, ठीक है. तो वाई विल ही, लेकिन इसमें भी नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद, और बचा हुआ जो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का वो उसके बाद लग जाएगा. Why will he not be reading his book? ये जरूर याद रखिएगा, ऐसा मत करिएगा Why will he? मैंने यहाँ पर जानबूझ के भी नहीं लगाया था, ठीक है. आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पर अभी भी लगाया है, देख किस किस ने पहचाने थी ये वाली मिस्टेक, जरूर ध्यान रखिएगा. मैंने अक्सर आपको अभी तक बोलती आ रही हूँ कि वी हम लोग मिस कर देंगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विल लग जाएगी और विल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनेट की होती है, ना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की, बस इतना ही इनमें डिफरेंस होता है. और साथ में आप लगा रहे हो आई एन जी, तो आई एन जी के लिए ना तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट का बना, ना वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का बना. तो ध्यान रखना, कंटिन्यूअस में वी लगाना मत भूलना. वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक. यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट होता है. एक बार मैं फिर से बताती हूँ हमने आज क्या क्या पढ़ा है. इंट्रोडक्शन, व्हेन टू यूज, व्हेन नॉट टू यूज, यानी कि स्टैटिक वर्ब्स के बारे में जाना. इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमने तीनों टाइप के सेंटेंसेस पढ़े हैं. इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उसके कुछ एक्सेप्शन, यानी कि हु, हाउ मैनी, हाउ मच, ये जो एक्सेप्शन होते हैं ये यहाँ पर कैसे यूज होते हैं. इसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक जो आप जनरली करते हो उस पर हम फोकस करेंगे, और इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.